हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी देसी रसोई में। आज हम बना रहे हैं आम का गलका, इसे लौंजी भी कहते हैं। ये ऑयल फ्री है, इसमें ज़रा भी तेल नहीं है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आम का गलका बनाने के लिए हमने फजरी आम लिया है। ये आम खट्टा कम होता है, इसका गलका बहुत ही अच्छा खुशबूदार बनता है। पहले हम आम को 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। आम को अच्छे साफ कपड़े पर फैला दें जिससे इनका सारा पानी सूख जाए। आम अच्छी तरह से सूख गए हैं, अब हम आम को काट लेंगे। आप जिस आकार में चाहें उसे काटें, लंबा काटें या छोटे पीसेस में काटें। पहले हम काट लेंगे, इन्हें पहले छीलना नहीं है। अब इन्हें छोटे पीसेस में कर लेंगे। आप जितना बड़ा पसंद करते हैं उतने ही बड़े पीस करें। अब आम की बिजली को निकाल देंगे और इसे छील लेंगे। अगर काटने से पहले छीलेंगे तो आम ज़्यादा फट जाएंगे, बाद में छीलें। सारे आम हम इसी तरह से काट कर छील लेंगे। ये 2.5 किलो आम है, हमने इन्हें छील कर काट लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। एक चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक अच्छी तरह से लग जाए। अब बिल्कुल धीमी आंच में इसे पकाएंगे। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, तेज़ आंच होएगी तो जल जाएगा। इसे धीमी आंच में पकाना है जिससे थोड़ा सा गल जाए। अगर आपको गला हुआ पसंद है तो इसे अच्छी तरह से गला लें। गलका बनाने में हमें पानी नहीं डालना है, पानी डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर पानी नहीं डालेंगे तो इसे आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। अब इसे बंद कर देंगे। गलके को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। इसे इस तरह से उठाकर आहिस्ता आहिस्ता से पलट दें। धीरे धीरे देखिए पानी छूटने लगा है। इस तरह से इसका रस छूट जाएगा और ये इसी में गल जाएंगे। अब इसे बंद करके बीच बीच में बस चलाते रहना है। इसे 2 बार हम चला चुके हैं इस तरह से। ये देखिए इसका रस छूट रहा है। अब इसमें डाल देंगे 7-8 मिर्चें और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। इसी तरह इसका रस छूटता जाएगा और ये गल भी जाएगा। धीमी आंच पर इसे पकाना है। आम अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 2.5 किलो आम लिया था, 1/2 किलो चीनी लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच में इसे पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। धीरे धीरे चला दें, चीनी मिक्स हो जाए। जो भी बर्तन इस्तेमाल करें, सूखा हो, पानी बिल्कुल भी ना पड़ने पाए, इससे ज़्यादा दिन टिकेगा। आजकल जून चल रहा है, जून में आम टाइट होता है, इसलिए हमने चीनी बाद में डाली है। जब शुरू में अगर आप गलका बनाएं तो चीनी साथ में ही डाल दें तो आम गल जाएगा। आजकल का आम जल्दी गलता नहीं है, इसलिए हमने पहले आम को गला लिया है, बाद में चीनी डाली है। अब जब भी इस्तेमाल करें चम्मच सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी ना हो। अगर पानी होगा तो गलका ख़राब हो जाएगा। इस तरह से अगर बनाएंगे तो साल भर आपका गलका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब तक कि चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक हम इसे धीमी आंच में पकाते रहेंगे। चीनी घुल गई है, अब इसे हम धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे और इसे खुला ही पकाना है, बंद नहीं करेंगे। बंद करने से भाप इसमें गिरेगी तो उसे ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे खुला ही पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं, गैस ऑफ कर देंगे और इसे खुला ही रखेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। गलका ठंडा हो गया है, अब इसे जार में रख लेंगे। जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी ना हो। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।